हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स लैंड पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जमैका T10 का। दोस्तों आज का दूसरा मुकाबला लगा इस लगभग एक घंटा इस मैच का रह गया और गाइस इस वीडियो में आपको ऑल प्लेयर्स के स्टैट्स देखने को मिलेंगे। बैटिंग बॉलिंग का भी आपको बता दूंगा कौन सा प्लेयर कहाँ पर बैटिंग बॉलिंग करने वाला था। वीडियो लास्ट तक वॉच कर लेना, आपको एक छोटा सा वीडियो बना कर दूंगा जिससे आप इजिली वॉच कर सको और आसानी से हमारे साथ इस मैच जयपुर विन करो। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जहाँ पर आपको फाइनल टीम मिलेगी। साथ ही इसका लिंक आपको बता दूँ मैं डिस्क्रिप्शन प्लस गाइस कमेंट सेक्शन मिलेगा जिससे आसानी से हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे। तो गाइस पे वीडियो जल्दी कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम स्टेट्स के बाद जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दोस्तों बात करें यहां सबसे पहले हमारा जो टीम रहती है दोस्तों यहां पे जो सोरेग रॉयल्स की, तो गाइस यहाँ पे इसकी टीम देखते हैं SRO की टीम। गाइस यहाँ पे विकेट के सेक्शन में दो प्लेयर है दोस्तों, मैकलम अभी इस मैच अवेलेबल नहीं रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे इनकी टीम की तरफ से आपको खेलते नजर आएंगे रेड, जिनका गाइस स्टैट्स आप 9 मैच में 183 रन स्कोर किया होंगे। आगे बैट्समैन के बेस पर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे बैट्समैन की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको बॉनर खेलते नजर आएंगे, उसका दोस्तों लेरी लग रहे हैं, मैकटे रहेंगे, उसके वजह से ब्राउन है, सारे कैसे एंडरसन और गाइस यहाँ पे डेले है। तो दोस्तों ये प्लेयर्स इस मैच में आपको अवेलेबल रहेंगे, इनके सभी के स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं। बात को दोस्तों यहाँ पे रेड और गाइस यहाँ पे बॉनर आपको ओपन करते नजर आएंगे और गाइस यहाँ पे बात करूं मैकटे हो सकता है यहाँ पे आपको दोस्तों 2 डाउन या फिर 1 डाउन बैटिंग करते हैं, चांसेस ज्यादा है कि दोस्तों चौथे या फिर पांचवें नंबर बैटिंग करेगा तो या यहाँ से दोस्तों प्लेइंग खेलने वाला होगा। गाइस एंडरसन की बात करूं इस मैच अवेलेबल नहीं रहेंगे और गाइस यहाँ पे इनके चांसेस भी काफी कम है। हो सकता है यहाँ पे केविन डेले को खिलाया जा सकता है और ये प्लेयर खेलता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि गाइस यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों करे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अभी आगे में बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऑलराउंडर में बात करो तो यहाँ पे स्टैट्स आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ग्लेन ने काफी 163 रन बनाए 11 मैच, सैलमन ने 110 प्लस गाइस 10 विकेट निकाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है गाइस, मैच काफी कम लोगों ने ले रखा है इसको तो जरूर टीम में लेकर चलेगा। मान सिंह की बात करूं गाइस 4 मैच 50 रन 5 विकेट निकाला है। सीनियर की बात करूं 5 विकेट निकाला 8 इनिंग्स के अंदर 27 रन 11 मैचेस में है। वहीं दोस्तों बात करें होड़े के बारे में 8 मैच में यहां पे 175 के आसपास रन और गॉर्डन ने 147 बनाया 7 मैच में। तो गाइस ये स्टैट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां से आपको बात करूं इंपॉर्टेंट जो रहेगा ऑलराउंडर सेक्शन गाइस, सैलमन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। साथ ही गाइस यहां पे बात करूं तो यहां पे आपको हॉरो ट्राई कर सकते हैं और ग्लेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में ट्राई करने के लिए रहेगा ऑलराउंडर सेक्शन से। बॉलिंग डिपार्टमेंट पहुंचते दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ओडन स्मिथ मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट चॉइस है गाइस। 15 मैच 15 विकेट 183 रन भी जो रन बनाया बैटिंग करते हुए। गॉर्डन की बात की जाए गाइस 14 मैच में यहां पे केवल 8 रन है बाकी 24 विकेट निकाले, बॉलिंग काफी गजब की करता है गाइस, तो इसको टीम में जरूर लेकर चलिएगा, आपको आसानी से अच्छे खासे विकेट इस मैच में निकाल कर दिया जाएगा। बाकी यहां से दो प्लेयर हैं जहां पर सिंपल आपको बैटिंग में अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है, अगर खेले तो इसको बैटिंग के बेस पे जरूर लेकर चलिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों हम दूसरी तरफ हम अपनी टीम की बात कर लेते हैं जहां पे गाइस रहेगा कॉर्नवल वॉरियर्स जो कि गाइस CWA की टीम है। तो गाइस यहां पे आपको देख सकते हैं यहां पे विकेट कीपर सेक्शन में दो प्लेयर है गाइस, दोनों के स्टैट्स आप यहां पे चेक कर सकते हो, कुछ ज्यादा खास है नहीं तो आपको मैंने सिंपली ऊपर जो है बताया था SRO की टीम की तरफ से जो कि आपके लिए आर रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये बैट्समैन में दोस्तों यहां पे स्मिथ रहते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस लेकिन प्लेयर इंपॉर्टेंट है टीम में लेकर चलिएगा। सेम पेन की बात करूँ उसका पालमर रहते हैं, उसका राइट है और गाइस यहाँ पे हिंट्स है, तो गाइस ये देख सकते हैं हिंट्स का आप स्कोर काफी ज्यादा बेहतरीन है और आपको बॉलिंग भी बाई चांस करके दे सकता है। उसके अलावा दोस्तों राइट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से तीन प्लेयर में बात करूँ और यहाँ पे खेल रहे हैं प्लेइंग 11 स्मिथ रहेंगे तो इसको लेकर चलेगा। उसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो अगर टीम इसके पहले बैटिंग करे तो सिंपन को ट्राई कीजिएगा। अभी आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आपको टोटल यहाँ से आपको 5 प्लेयर देखने को मिलेंगे यहाँ पे इनकी टीम की तरफ से, जहाँ से गाइस मैकार्थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मैच में 221 रन और 3 विकेट निकाले बॉलिंग करते हैं। दूसरे में यहाँ पे ईवेन की बात करूँ 5 विकेट 100 रन टोटल बना चुके हैं 11 मैच में। नेक्स्ट प्लेयर दोस्तों स्पेनर रहते हैं जिन्होंने गाइस 11 रन बनाए 3 मैच, इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो इनको अपनी टीम में फिलहाल लेने का आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। बॉलर की बात करूँ 7 मैच 40 रन 5 विकेट निकाला हुआ है। वहीं किस बात करते हैं निकोल्स खेर के बारे में, तो गाइस 7 मैच 82 रन स्कोर किया हुआ है। सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर कौन सा होगा, तो दोनों जो टॉप प्लेयर आपको देख रही है दोनों इस मैच के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है जिसको आप ऑलराउंडर बेस पे सिलेक्ट करके चलते हैं, बाकी वॉल्कर खेले तो इसको टीम में लेकर जरूर चलना। दोस्तों अभी हम आगे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास बॉलर डिपार्टमेंट जो प्लेयर रहने वाली है, तो गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट से ये प्लेयर्स आपके टीम में खेलते नजर आएंगे। आपके यहाँ देखते हैं मेंडे है, उसका दोस्तों यहाँ पे रेमन रहेंगे, माइकल सिल्वा रहने वाले हैं, ब्लेक रहेंगे, साथ ही गाइस यहाँ पे नेफर्ट और गाइस यहाँ पे जो है गार्ली मोड रहने वाले। तो गाइस यहाँ पे गार्ली मोड और गाइस नेफर्ट दोनों मोस्ट टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर। इसके अलावा दोस्तों बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आंद्रे ब्लैक इस मैच में खेले तो टीम में जरूर लेकर चलिएगा। बाकी यहां से गाइस आपके लिए मेंडे काफी इंपॉर्टेंट रोल इस मैच में कर सकता है गाइस, लास्ट सीजन इसका परफॉर्मेंस काफी डाउन रहा था गाइस, इस मैच में आपके लिए हो सकता है काफी शानदार बॉलिंग करके दे सकता है। तो आपको मैंने सभी प्लेयर के स्टैट्स तो दिखाई दिए, अभी हम बात करते हैं टीम की जो कि आपके लिए मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट हो।
सो दोस्तों बात करूँ टीम की तो गई 6-5 का कॉम्बिनेशन हमारी टीम में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इस मैंने आपको बताया था सी रेट को अपनी टीम में मैंने यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन से ले रखा। फिलहाल गाइस अगर कोई चेंज होगा ना तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी फाइनल अपडेट मिल ही जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर पाएंगे और हर मैच में जैकपॉट विनिंग कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बोनर्ड है, मैकार्थी है, डी स्मिथ है, ओराइट है, ई बैंक्स गाइस, पी सैलमन ऑगस्ट मैकार्थी, साथ ही बॉलिंग पार्ट से ओडनी स्मिथ रहेंगे, नॉर्डन है ऑगस्ट मिल लेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अदर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बता दूँ तो आपके दोस्तों बॉनर और गाइस यहाँ पे ई बैंक सैलमन और गाइस यहाँ पे जो है डी स्मिथ अच्छे खासे पिक है कैप्टन वाइस कैप्टनसी का। तो दोस्तों ये हमारी इस मैच की इनिशियल टीम रहेगी, टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको मैं फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे। तो फटाफट ज्वाइन करो, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय।